रोहतास में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में शुरू ही टूर्नामेंट के समापन समारोह में विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर रणविजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ में समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ भोली उर्फ भोला जी, बालाजी संजय कुमार उर्फ बालाजी उपस्थित रहे और जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के बीच खेला गया, जिसमें विजेता एसटी जैन कॉलेज आरा नेहरू महाविद्यालय अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर जितेंद्र कुमार सिंह आज़ाद एवं क्रीड़ा के अध्यक्ष प्रोफेसर रामानंद सिंह ने किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन मैनेजमेंट विभाग अध्यक्ष एवं स्पोर्ट्स हेड प्रोफेसर कन्हैया कुमार सिंह ने किया और साथ ही साथ प्रशस्त्रीय मंत्री वीर कुंवर सिंह आरा, सह लेखपाल रामधरण सिंह के साथ मिलकर अतिथियों का स्वागत किया गया। देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट हो या और अन्य इवेंट्स हो, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक खेल जागृति, खेल भावना उत्पन्न करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर अपने तमाम विश्व महाविद्यालयों में हम लोग ये आयोजन करा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में बैडमिंटन को बतौर प्रायोजक अधिकृत किया गया है और बहुत शानदार मैच यहाँ पर आयोजित भी हुए। आज समापन सत्र है, समापन सत्र में एसटी जैन कॉलेज आ रहा और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के बीच सीधे मुकाबला है और इस मुकाबले में मैं देख रहा हूँ कि कांटे की टक्कर चल रही है। जो भी जीते, जो भी विजेता उप विजेता बने, वो एक अलग पक्ष है। केवल हमारे विश्वविद्यालय में एक खेल भावना का जो उत्कर्ष स्वरूप दिखना चाहिए वो आपके इस कैंपस में दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य को विशेष बधाई दे रहा हूं और आयोजन समिति को भी हृदय से शुभकामनाएं। छात्रों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों के बीच ये संदेश अवश्य जाना चाहिए कि हम अपनी बौद्धिकता, अपनी पाठकीयता बढ़ाएंगे और पाठ्यक्रमों से जुड़े रहने के अतिरिक्त जो अपने अंदर का एक स्किल है, एक हमारा अपना एक कैलिबर है खेलने के प्रति, तो खेल एक ऐसा व्यक्तित्व का प्रबल पक्ष है कि जिसमें एक लगातार ऊर्जा की आवश्यकता है। वह ऊर्जा तभी प्राप्त हो सकती है जब हम खेलेंगे और खेलने में छात्रों के लिए कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर, क्षमा करेंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये हमारी प्राचीन अवधारणा है, लेकिन अभी पूरे भारतवर्ष में एक संदेश जाना चाहिए कि जहाँ भारतवर्ष की तरफ से खेलो इंडिया का एक कॉन्सेप्ट आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आगाज़ किया है और वाकई खेलो इंडिया का इस कदर असर है कि तमाम महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में वो खेल जागृति पैदा हुई है और उस खेल जागरण अभियान से छात्रों के अंतर्गत एक अलग ऊर्जा, एक अलग शौर्य पैदा हुआ है जो भारत के लिए, कल के भारत के लिए सुंदर भविष्य के रूप में, कैरियर के रूप में खेल को अपनाने की भी इसमें प्रेरणा दी जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।